नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। बिहार के बेगूसराय के दिनकर ग्राम सिमरिया में NH-31 का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है। इस कार्य के चपेट में 292 मजदूरों का घर आ चुका है, जिस पे बरौनी के अंचलाधिकारी सुमित कुमार सुमन ने यह कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर घर खाली नहीं करवाया गया तो सभी के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। आवेदन के अनुसार ग्रामीणों का ये कहना है कि जब आवेदन की वैधता खत्म हो गई थी तब हमें आवेदन प्राप्त हुआ। कोई घर जो यहाँ पे सड़क बन रही है, क्या हाँ। इसकी राशि मिली है? नहीं, राशि कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब तो बोला कि उधर जमीन हम दे रहे हैं, गड्ढा दे ले, गड्ढा दे ले, लोग नहीं जाने के लिए तैयार है। गड्ढा भरवा करके या गड्ढा में ही? गड्ढा में, उधर गड्ढा है, हम लोग के देखने के गड्ढा है। उधर पानी, बारिश वाला पानी आ जाता है, उसमें बच्चा लोग डूब जाएगा। कितना कौन ही मारा ले, बाल बच्चा को मार दे तत्की कर तो नहीं डूबिया धर जाते। आप लोग के इसकी पैसा मिली है? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो क्या बोले उस पे? बोला उन्हें घबरा, हम जमीन देगा, जाइए उन्हें। कितना घर ये रोड के में आ रहा है? 293। अच्छा, आप लोग? हम लोगों को मांग है कि जमीन का जमीन प्लस मकान का मुआवजा हर हालत मिलनी चाहिए। गली कूचा और रोड, बिजली, स्कूल और सब के लिए शौचालय सब व्यवस्था कर दे सरकार, हम लोग आराम से हट जाएंगे। आखिर क्यों ये मामला सामने आई, क्यों, क्या वजह है इसको? ये 6 लाइन की वजह है जो कि हम लोगों को जो कतर किया जा रहा है यहाँ से। हाँ, और हम लोग सूचना मिली, कोई आवेदन मिली या डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है कि हटाए घर? हाँ, डायरेक्ट भी हुआ है, लेकिन 4-5 दिन पहले जो है नोटिस एक आया जो कि 2 महीने पीछे का है।